नमस्कार किसान भाइयों, ये जो भिंडी आप देख रहे हैं मेरा 20 दिन लमसम हो चुका है और इसमें 15 दिनों के बाद फूल फल आना स्टार्ट हो जाएगा। ये दूसरा कोड़ैया चल रहा है मेरा, आप देख सकते हैं ये मशीन द्वारा मैं खेत को कोड़ैया कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि 20 दिनों के अंदर कौन कौन से प्रक्रिया को अपनाना चाहिए इस भिंडी में, मैं बताऊँगा आप लोगों को कि 20 दिन जैसे कि आपका भिंडी 15 से 20 दिन का हो जाए तो आपका कौन कौन से खाद को इस्तेमाल करना है। सबसे पहला जो खाद है पोटास को लेना है, DAP और जायम, ये तीन खाद को मिलाकर आपको खेतों में छिड़कर ऐसे कोड़ैया कर सकते हैं। देख सकते हैं मेरा जो है खाद छिटने के बाद ये कोड़ैया मैंने कर दिया है ऑलरेडी। और बात किया जाए तो यहाँ पर जो आप अभी देख रहे हैं ना, दो चार दिनों के अंदर मैं वीडियो को आप लोगों को दिखाऊँगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटे को ऑन कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने देख सकते हैं जो भिंडी का सुंदरता है। ये जो वीडियो है आपका शाम का 5:30 बज चुका है, मेरा खेत को देख सकते हैं पूरा लास्ट तक भिंडी लगा हुआ है। यहाँ पर ये लमसम मेरा 1 kg भिंडी लगा हुआ है, पूरा आप खेत को देख सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।